सिमरन। वाहेगुरु, लख लख शुक्र है। सिमरन तुझे होश आ गया बेटा, तू ठीक है? बेटर लग रहा है भैया? हाँ मैं यही हूँ, मैं आ गया हूँ। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है, क्या हाल हो गया तेरा? तुझे पता कितना परेशान हो गया था मैं, घबरा गया था, अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। खैर ये बता, कुछ चाहिए तुझे? कुछ लाऊं तेरे लिए? नहीं भैया। रुक मैं मंगाता हूँ। नहीं भैया, सब मेरे पास रहो, अब मत जाना कहीं। अब मैं तो यही हूँ, मैं हूँ यहाँ पर। नर्स, सिमरन को होश आ गया, इसके लिए कुछ लाइए ना, सूप वगैरह कुछ। सिमरन बच्चे हुआ क्या था, तू स्ट्रक में कैसे पहुंच गई? वो भैया। हाँ वो अभी ठीक है, अभी अपने भैया के साथ है। थैंक यू सिस्टर, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। थैंक यू। साहिबा जी, अतु नर्स, ऐसी हालत अब लड़की की? ठीक है, पता नहीं क्यों लड़की मुझे जानी पहचानी सी लगी। उसके बारे में कुछ तो ऐसा था जो देखा देखा सा लगा। वैसे उसका भाई तो बड़ा खुश होगा, साहिबा भाभी से मिलेगा तो थैंक यू जी की लड़ियां लगा देगा। ओए ट्विंकल, थैंक यू की लड़ी तो मुझे लगानी चाहिए। ओ साहिबा जी ने मुझे भी तो बचा लिया, वरना पूरी रात कुल सालों ने कुटापा चढ़ाना था मेरा। अरे दस कितने कुड़ी। अरे पुत्र, मैं कोई ज्योतिषी थोड़ा ना हूं कि बता दूंगा कहाँ है कुड़ी। थैंक यू साहिबा जी, आप मुझे ले आए, नहीं तो वो तो मुझे वहीं रखते पूरी रात। ऐसे कैसे रख लेते? और नहीं तो क्या, उनका पुलिस स्टेशन तोड़ देता, सबको मारता, डिशुम डिशुम करके अपने पापा को ले आता। अरे पुत्र बस कर, नहीं तेरे घूसों से किसी की हड्डी वड्डी टूट जानी है, हैं? अरे अब मैं आ गया हूँ ना, तू भी गुस्सा छोड़ दे, हैं? पुत्र छोड़ दे। अच्छा, उन नक्चड़ अंकल ने इनको पहचान के है, मैं उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद मेरे यारा से पंगा नहीं लेंगे वो। ना यारा, अरे वो अंकल तो खुद ही परेशान थे अपनी बहन को लेके। चल छोड़ दे, तुझे खाना खा। नहीं, उन्होंने आपको चोट लगाई, जब उस दिन मुझे डॉक्टर अंकल इंजेक्शन लगा रहे थे तो आपने उन्हें कितना डांटा था और उनकी खिड़की तोड़ दी थी। अकीर भी अपने यारा के दुश्मन की खिड़की नहीं 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 अकड़ तोड़ेगा, मैं उन नक्चड़ अंकल को छोड़ने नहीं वाला। ओए यारा, अरे वो अंकल तेरे पापा के दुश्मन थोड़े ना है, तो बस गलत फहमी का शिकार। हा? अब वो मेरे शिकार बन गए हैं, आप कुछ भी बोलो, अब वो मेरे दुश्मन हैं और आपके भी। लेकिन सिमरन बेटा, तू स्कूल की दीवार पे चढ़ी क्यों थी, क्या करना चाहती थी?